नीना काशिफ है, उनसे जी जी मेरी जी जी अच्छी बात थी, और देन महेश से मेरी एक दफा बात हम हुई थी, टीवी पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जापान में होती हूँ। अच्छा, आई वॉज ऑफर्ड परिजाद एंड हम कहाँ के सच्चे हैं। रियली? मैं जापान में थी तो मैं कर नहीं सकी। हम कहाँ के सच्चे थे, मैं कौन सा वाला किरदार आपको? इट वाज कुब्राज करेक्टर। अच्छा, या इंटरेस्टिंग। एंड इन परिजाद इट वाज आई गेस उशनाज करेक्टर। अच्छा, हाँ जी। तो मैं जापान में थी और वो कह रहे थे कि आपको आना होगा, आप एक दफा ऑडिशन दे लें, हम इसको बस डन करना चाह रहे हैं। मैं आपको तीन ऐसी मिसालें दे रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। ओके। खानी, मुझे ऑफर हुआ, मैं नहीं कर पाया। परीजाद का स्क्रिप्ट मेरे घर पे रखा है, परीजाद की जो किताब है जो मुझे पढ़ने को दी गई वो मेरे घर पे रखी है, परीजाद का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास रखा है, लेकिन वो अहमद अली अकबर साहब जो हैं उनके करियर का चेंजिंग पॉइंट साबित होना था, इसलिए वो उन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि मार्गो रॉबी का जो कि रोल था बाबी में, वो मुझे मिला था, जो उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और अगर आप लोगों को यकीन नहीं है ना, तो इस मूवी की स्क्रिप्ट और इस मूवी का जो कि कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरे पास पड़ा हुआ। जब आप लोग नेक्स्ट टाइम मुझे अपने शो पे बुलाएंगे तो इस बात का खुलासा मैं ज़रूर करूंगी, और ज़रूर अपने इंस्टा हैंडल पे जो कि वो स्टोरीज लगा के मैं आप लोगों को यकीन दिलाऊंगी कि इसकी डायरेक्टर ने पहले बारबी के रोल के लिए मुझे ही अप्रोच किया था। और इस मूवी की डायरेक्टर ग्रेटा के साथ मेरी व्हाट्सएप कन्वर्सेशन जो कि है वो मैं जल्द आप लोगों के साथ जो कि है वो शेयर करूँगी। आप लोग मुझे बड़ा लाइटली लेते हैं और नहीं लेना चाहिए बस। मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ, इसी तरह से जो भोले का किरदार था वो मुझे ऑफर हुआ, oh, wow. मैं नहीं कर पाया, लेकिन वो इमरान अशरफ की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होना था। कैमरा ऑफ है ना? कैमरा ऑफ है। ओके, सो अली वो जरा डिजाइनर को जरा कॉल करके कहो कि मुझे जरा व्हाट्सएप की कॉन्वर्सेशंस के जरा को टेम्पलेट्स तो बना दे, अब मैंने इतनी लंबी छोड़ तो दी है, अब मुझे छोड़ने का सबूत भी तो देना चाहिए ना। सो वो जरा डिजाइनर से कहो कि व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन में और ग्रेटा की ये वो पर ग्रेटा मेरे साथ कॉन्वर्सेशन जरा कोई डिजाइन तो करवा दो ऐसे मुझे टेम्पलेट्स, क्योंकि वो जब मैंने नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम में जाने हैं ना तो वो लगाने हैं, और फिर तुम लोग मेरी पीआर एजेंसी से कह के ना वो मेरे हैंडल पे भी लगवा दो स्टोरीज। आपने तो कहा था कैमरा ऑफ है, तो लाइव शो